तो फ्रेंड्स, ये हमारा एंट्रेंस है। एंट्रेंस में आते ही ये है हमारा छोटा सा मंदिर। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पापिया व्लॉग्स। तो आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैंने आप लोगों के साथ एक शॉर्ट सा ट्रेलर शेयर किया। रीजन बिंग फ्रेंड्स, आप लोगों को याद होगा कि बिफोर 2 डेज बैक मैंने अपने दिल्ली के रेंटेड हाउस का होम टूर वीडियो आप लोगों के साथ शेयर किया था। तो अगर आपने मेरा होम टूर वीडियो अब तक नहीं देखा है तो लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी, आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा, जहां आप जान सकते हैं कि मैं कहां रहती हूं, कैसे रहती हूं मेरे होम टूर वीडियो में। सेकेंडली, आप में से कई लोग जानना चाहते हैं कि इस दिल्ली के रेंटेड हाउस के लिए मैं कितना रेंट पे करती हूँ। तो आज की वीडियो में मैं शेयर करूंगी कि मैं आखिर कितना रेंट पे करती हूँ। सेकेंडली, ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है उन फ्रेंड्स के लिए जो दिल्ली में रीलोकेट करना चाहते हैं रेंटिंग पर्पस के लिए। क्या फैक्टर्स इफेक्ट करता है, इसलिए ये वीडियो पूरा देखिएगा। फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पापिया व्लॉग्स अगेन। एंड आज मैं बात कर रही हूँ इन रेफरेंस टू द होम टूर। मैं अपने दिल्ली के हाउस का जो रेंटेड होम टूर मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था ऑन द रिक्वेस्ट, तो वो होम टूर के रिक्वेस्ट में मेरे को पूछा गया है कि मैं इस घर का 2 BHK का 2.5, क्योंकि एक बड़ा सा डाइनिंग हॉल भी है, तो मैं कितना रेंट पे करती हूँ। तो फ्रेंड्स, दिल्ली सिटी में जो रेंट है ना, वो ऐसा है कि DDA फ्लैट्स में हम लोग रहते हैं, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो ये फ्लैट्स एज पर द लोकेलिटी ऑफ द फ्लैट रेंट डिपेंड करता है। तो अगर आप अच्छे सोसाइटी लोकेलिटी में रह रहे हो तो रेंट ऑफ कोर्स ज़्यादा हो रहा है, आई थिंक सारे ही प्लेस में ऐसा ही होता है। और लोकेलिटी थोड़ा सा मीडियम है तो रेंट भी वैसा है। तो यहाँ पे जो रेंट रेंज करता है ना, जहाँ हम रहते हैं, यहाँ पे रेंट थोड़ा सा हाई है, बिकॉज ये यहाँ पे पूरा इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ और हाई एंड जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ वगैरह का यहाँ पे इस सोसाइटी में उन लोग रहते हैं, तो इसलिए इस वजह से रेंट ज़्यादा है। और नॉट ओनली दैट, ये जो रूम्स है ना, काफ़ी स्पेशियस है, अच्छा वेल डेवलप्ड है और एक अच्छा वेल मेंटेन्ड सोसाइटी में है। तो यहाँ का जो रेंट है वो वेरी करता है, इट स्टार्ट्स फ्रॉम नियर अबाउट 20,000 एंड इट गोज़ अप टू 30,000। तो इसी रेंज के अंदर यहाँ पे घर जो है रेंट जो है रेंज रहता है। तो दिल्ली में आप एज़ पर द लोकेलिटी अपना रेंट नेगोशिएट कर सकते हैं। कम में भी आपको मिल जाएगा, लेकिन लोकेलिटी और घर की कंस्ट्रक्शन अच्छी नहीं मिलेगी, काफ़ी ओल्ड होगा जो कंस्ट्रक्टेड हाउस है, इस वजह से उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है, लाइक सीपेज प्रॉब्लम्स, या फिर पुराना कंस्ट्रक्टेड फ्लैट्स जो होते हैं ठीक नहीं होते हैं। तो इसलिए आप जब घर ढूंढ रहे हो ना, तो देखिएगा कि जो है वास्तु के हिसाब से ठीक है कि नहीं। अगर वास्तु में आप थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ आपको एडजस्ट करना पड़ रहा है, तो एटलीस्ट कंस्ट्रक्शन देखिएगा, वहाँ पे कोई वाटर सीपेज वगैरह नहीं होना चाहिए। और जो घर का लेआउट है प्रॉपर होना चाहिए, किचन एक तरफ होना चाहिए, बाथरूम ऑपोजिट साइड में होना चाहिए, मतलब इन डिफरेंट रूम, नॉट नियर टू द किचन वगैरह। ऐसा मैं पर्सनली जैसे मैंने बिलीव करती हूँ वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। हाउस जो है उसमें सनलाइट प्रॉपर होना चाहिए, क्योंकि दिल्ली काफ़ी कोल्ड सिटी, ये सब देखते हुए आप घर ले रहे। तो बस इसी के साथ मैं आपको बोलना चाह रही थी, आई होप आई आंसर्ड योर क्वेश्चन। सो फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को आज का वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। जो कोई फ्रेंड्स दिल्ली में रिलोकेट कर रहे हैं, रेंटिंग के लिए घर देख रहे हैं, ये फैक्टर्स पे ज़रूर ध्यान दीजिएगा जो मैंने वीडियो में मेंशन किया। ये वीडियो अच्छा लगे तो एज़ यूजुअल लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू पापिया ब्लॉग्स विद बेल। थैंक यू।